मुंबई इंडियंस की पांचवी जीत के साथ ही बीसीसीआई यूएई में आईपीएल 2020 का सफल आयोजन करने में सफल रहा है। कोरोना काल में इस साल आईपीएल आयोजन की संभावना बेहद कम नजर आ रही थी और इस सीजन में न सिर्फ आईपीएल का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ बल्कि बीसीसीआई भी मालामाल हो गया। चलिए आज आपको बताएंगे कि बीसीसीआई को आईपीएल से कितनी कमाई हुई और खर्च में कितनी कटौती कर ली गई है। लेकिन ये वीडियो आगे बढ़ाएं हम, उससे पहले अभी से आप एनएस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोरोना वायरस होने के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक आईपीएल 2020 को बीसीसीआई ने सफलतापूर्वक यूएई में करा लिया है। पहले आईपीएल का 13वां सीजन अपने वक्त यानी कि मार्च अप्रैल में ही होना था, उसका शेड्यूल तक जारी कर दिया गया था। यहां तक कि कुछ टीमों ने तो अपने कैंप भी शुरू कर दिए थे, लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण किया और लगातार केस सामने आने लगे। इसके बाद आईपीएल के 13वें सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब हालात सुधरे नहीं, नियंत्रण में नहीं आए, तो उसे आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि इसके बाद यूएई में आईपीएल 2020 कराने का फैसला लिया गया। आईपीएल का यह सीजन करीब 6 महीने की देरी से 19 सितंबर से शुरू हुआ और 10 नवंबर को इसका फाइनल खेला गया। इस बार भी मुंबई इंडियंस ने खिताब पर कब्जा जमाया है। अब पता चल गया है कि आईपीएल 2020 से बीसीसीआई को कितना फायदा हुआ है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया, तो चलिए अब आपको बताते हैं अरुण धूमल ने आईपीएल के आयोजन के बाद क्या कुछ कहा। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया है कि बीसीसीआई ने आईपीएल के सफल आयोजन से करीब 4,000 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ ही इस बार का आईपीएल यूएई में हुआ और उसमें भी दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए टीवी पर रिकॉर्ड दर्शकों ने आईपीएल को देखा, इससे भी मोटी कमाई हुई है। अरुण धूमल ने यह भी बताया है कि बीसीसीआई पिछले साल की तुलना में आईपीएल के खर्च में करीब 35% की कटौती भी कर चुकी है। अरुण धूमल ने बताया कि आईपीएल का पहला मैच जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था, उसी मैच को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली। आईपीएल पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा था और लग रहा था कि पता नहीं आईपीएल हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि यूएई में कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले थे और इस बारे में भी बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाए और कोरोना के बाद भी आईपीएल कराने में कामयाबी हासिल की। आपको याद होगा कि आईपीएल की सारी तैयारी कर ली गई थी, शेड्यूल जारी होने वाला था, लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। इसके बाद आईपीएल के आयोजन पर सवाल और संदेह खड़े हो गए थे। हालांकि दोनों खिलाड़ियों के साथ ही बाकी स्टाफ मेंबर को भी क्वारंटीन किया गया और कुछ दिन बाद सभी ठीक हो गए और दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपनी टीम के लिए मैच भी खेले। आईपीएल में कोरोना टेस्ट में भी बीसीसीआई ने कोई कोताही नहीं बरती और पूरे टूर्नामेंट में करीब 30,000 कोरोना टेस्ट हुए। आईपीएल के पूरे आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे और सभी का कोरोना टेस्ट हुआ, इसमें भी बीसीसीआई ने अच्छी खासी रकम खर्च की है। तो बीसीसीआई को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने आईपीएल शानदार तरीके से कराया है। खैर, अभी का वीडियो यहीं तक, लेकिन नया वीडियो लेकर हम आएंगे फिर से। तब तक के लिए अलविदा, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।